नमस्कार, मैं हूं सोमेश डाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। आप सबको बता दें कि कल हरियाणा का बजट आया और बजट भी कोई छोटा मोटा नहीं आया। 1,55,000 करोड़ से ऊपर का जो बजट है वो यहां पर आज जो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और उस बजट के पेश करने के बाद काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में जो हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारे उन मुद्दों पर बातचीत की गई जो कि पिछले 5-6 साल से लगातार बातचीत हो रही है, और उन्हीं को एक बार दोबारा से कुछ अलग तरीके से पेश किया गया। और उन्हीं चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ साथ में जो कुछ किसान हैं, कुछ नेता हैं, उनसे ज़रा जानेंगे कि क्या कुछ जो बजट का मीनिंग ये निकाल रहे हैं, क्या कुछ बजट से हरियाणा वासियों को फ़ायदा होगा और क्या उससे नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपसे जानना चाहें, 1,55,000 करोड़ से ऊपर का जो बजट है वो बजट पेश किया गया है, आपको कोई उम्मीदें हैं इस बजट से कि इतने लाखों करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं हरियाणा की जनता के लिए, तो क्या कुछ है उसमें? नहीं, इसमें विकास के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जितना बजट पेश हुआ है ये वही जो पिछले मुद्दे हैं, पिछली जो समस्याएं हैं उनको हल करने मात्र हैं, आगे विकास के लिए इसमें कुछ नहीं है। जी, अगर जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मैं बजट के कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट किया है। सबसे पहले स्वास्थ्य को ही ले लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जहाँ सरकार बड़ी संजीदा दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जहाँ पर बात की जा रही है, केवल जो हॉस्पिटल्स जो पहले 100 बेड्स के होते थे अब उनको 200 बेड का किया जाने की कोशिश है। क्या बेड बढ़ाने से सुविधाओं में कुछ फ़ायदा हो पाएगा? क्योंकि जब बेड तो बढ़ा देंगे लेकिन डॉक्टर तो है नहीं इनके पास। नहीं, बेड बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर की इसमें अपॉइंटमेंट नहीं, रिक्रूटमेंट इस बजट में नहीं है ना के बराबर। क्या कहेंगे, मतलब सरकार को चाहिए क्या था, क्या करना चाहिए था स्वास्थ्य के लिए? सरकार को इसके लिए शिक्षा, इसमें जो ना स्वास्थ्य के अंदर अलग बजट और पैसे लेकर इसमें अपॉइंटमेंट जो पहले डॉक्टर की उन पोस्टों के अनुसार करनी चाहिए थी। जी, जितने बेड हैं। जी बिल्कुल, सरकार लगातार कह रही है कि हमारे पास काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स की जो जगह है खाली है और उसकी हम भर्ती जल्द ही करेंगे, पिछले काफ़ी सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो भर्ती होती है उसके बाद बहुत सारे जिनको सेलेक्ट किया जाता है डॉक्टर्स, या तो वो ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन करते तो थोड़ी दिन के बाद छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा क्या इंतजाम जो है आगे किया जाना चाहिए था, बजट में क्या प्रावधान किए जाने चाहिए थे कि जिससे कि कहीं ना कहीं जो जनता को फ़ायदा होता? बजट में ऐसा प्रावधान किया जाता जितनी नई पोस्टें, जो खाली पड़ी पोस्टें उनको भरने के बाद जो नई पोस्टें क्रिएट की हैं उनके ऊपर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ठीक ठीक व्यवस्था में जो कर देनी चाहिए थी, ताकि वो जो प्राइवेट अपना जो बिजनेस कर रहे हैं वो इसमें अस्पतालों में आ सके। जी, आम जन के लिए आप क्या देखते हैं, बजट में कुछ मिला आम जन को? नहीं जी, कुछ नहीं, विकास के लिए कुछ नहीं है। क्या उम्मीदें थी? कुछ उम्मीद नहीं। उम्मीदें कुछ नहीं थी? नहीं, सरकार से क्या उम्मीदें आप? हाँ, सरकार से हम उम्मीद करते थे अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे, अच्छी नौकरियां देंगे और किसान को अच्छा लाभ देंगे, लेकिन इस बजट से न तो किसान को कोई लाभ है, न कोई रोजगार की ठीक व्यवस्था है, न स्वास्थ्य पे कोई है, न कोई पानी या बिजली की नई व्यवस्था है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए 884 करोड़ का जो बजट है वो सैंक्शन किया गया है, क्या मानते हैं कि वो जो 884 करोड़ का जो बजट है वो कहाँ पर लगाया जाएगा? वो उसके अंदर वो इतना जो बजट है उसमें तो कुछ नहीं सब उसमें चला जाएगा, लोन में जो हरियाणा सरकार के ऊपर लोन खड़ा है उसमें चला जाएगा, कुछ जो पहले की जो पेंशन आदि बढ़ा रहे हैं उसमें चला जाएगा, नया इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं है, आपको क्या लगता है क्या आमजन को कुछ मिला इसमें? जो ये बजट हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया है इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमें पिछले जब से ये बीजेपी सरकार है, हमें पिछला जो भी बजट इन्होंने पेश किया है उसमें नरी घोषणाएं की है, लेकिन नया कुछ नहीं किया इन्होंने 6 साल में। भाई आज भिवानी में जो मेडिकल कांग्रेस के टाइम में पास हुआ था उसका बजट भी उस टाइम में कांग्रेस पास करके गई थी, लेकिन आज तक उसकी एक ईंट भी नहीं लगी है। लेकिन सरकार तो बजट में कह रही है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज जैसे इन्होंने कहा भाई हमें सिरसा में 2-3 जगह और बताया भाई हम नए मेडिकल खोलेंगे, जो 7 साल पहले जो घोषणा होली आज तक उनकी भी नींव नहीं रखी गई है, तो आगे क्या करेंगे ये? ये खाली दो घोषणे हैं, इन्होंने बजट में कुछ नहीं किया, खाली नाम नाम है बजट का भाई हम ये चीज करेंगे। आज आप बता दो भाई कुछ भाई ये चीज नहीं की है भाई, जो रोड है, सड़क है, स्कूल है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, अस्पताल है, एक भी नया बनाया हो तो 6 साल में एक भी बता दो कोई रिकॉर्ड में भाई ये चीज हमने नहीं बनाई है। लेकिन बात तो जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि अलग अलग जगहों पर जहाँ पर कॉलेजों की मांग थी उन मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है,
तो वहीं दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि भाई हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, और ऐसी स्थिति में क्या मतलब माना क्या जाए इसको कि सरकार आम जनता के लिए कुछ कर भी रही है या नहीं? मैं यही तो कह रहा हूँ, आज तक कोई एक भी चीज ऐसी बता दो भाई, स्वास्थ्य में बता दो, कोई पानी के कितने वाटर बक्स बनाए हो, कितने बिजली का कोई प्लांट लगाया हो, कितने अस्पताल बनाए हो, कितने कॉलेज बनाए हो। हम मैं एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ भाई, आज तक है ना, हमने जब भी एडमिशन शुरू होते हैं 5% 10% सीट हमेशा बढ़वाई है, लेकिन इस सरकार में बच्चे रोड के ऊपर धक्के खा रहे हैं भाई, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो बगैर स्टाफ के बगैर कॉलेजों के बच्चों को बताओ कहाँ शिक्षा लेंगे। ठीक है भाई, शिक्षा की तो बात आप कर रहे हैं, शिक्षा तो तब ले पाएंगे जब कहीं पर बिजली होगी, पानी होगा, और दूसरी जो सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो होंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें सीवरेज और जैसे पेयजल के लिए कोई आगे के लिए प्रावधान जो है वो आपको कहीं पर दिखाई दे रहे हैं इसमें? मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई नई चीज बताओ भाई। भिवानी में एक वाटर बक्स हुआ करता था, चौज बंसीलाल के टाइम, बंसीलाल दोबारा आए सत्ता में 96 में, जब वो दुनोद में एक वाटर बक्स 100-150 किलो में बना गए थे। उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई मैडम किरण चौधरी, जब इस स्वास्थ्य विभाग की मंत्री बनी तो 99 में एक बहुत बड़ा वाटर बक्स, तो भिवानी के चारों तरफ वाटर बक्स बना दिए, लेकिन बीजेपी सरकार उन वाटर बक्सों को पानी देने में भी नाकाम रही है। आज ये हालात है, 3 दिन में एक बार पानी आता है भिवानी शहर में जी। और अगर बात करें यहाँ पर किसानों की, क्योंकि आज के दिन किसान आंदोलन भी चल रहा है, दूसरी तरफ बजट भी आ गया, सरकार कह रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं, क्या किसानों के लिए कुछ दिया गया है? क्या दिया गया किसानों के लिए? कुछ भी नहीं दिया गया भाई। मैं ये कहता हूँ, ये कहते हैं हम 2022 तक किसान की आमदनी दूनी कर देंगे भाई। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, ठीक है, मेरे पिताजी भाई अनपढ़ हैं, खेती से उठकर हम यहाँ इस स्टेज तक पहुँचे हैं भाई। किसानों को क्या दिया है भाई? मैं बचपन में देखता था भाई, जो चीज़ उस टाइम है दानों के बराबर चीज़ आया कर लाया करते, आज भी मतलब अनाज तो वही है, लेकिन उनकी कीमत 100 गुना मतलब महंगी हो गई, लेकिन अनाज का मूल्य आज भी वही है जो 40 साल पहले था जी। आप अनाज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिजली भी महंगी हो गई है 2%, उस पर भी जो अलग से टैक्स लगाया गया है, पंचायत टैक्स करके कहा गया है, और हमारा गांव जगमग गांव योजना को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात जरूर की गई, लेकिन 2% अलग से टैक्स लगाना, तो दैट मीन्स कि अब बिजली भी महंगी होगी। मैं ये कहता हूँ, ये टैक्स जो ये लगा रहे नहीं, आम आदमी गरीब आदमी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है धीरे धीरे। जहाँ 200 रुपये एक गरीब आदमी एक लट्टू एक पंखा चला के गुजारा करता था, आज उसके कम से कम 700-800 रुपये भी लाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गरीब आदमी का सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, आज 800 से ऊपर का वो सिलेंडर हो चुका है। तो मैं मानता हूँ गरीब आदमी इस महंगाई में गुजारा नहीं कर सकता। तो क्या मतलब आपको क्या उम्मीदें थी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए थी? अगर हम आम जनता की बात करें, आम जनता को जो चीज़ों की सुविधाएं चाहिए होती, क्योंकि अब जहां पर सरकार की अगर हम बात करें तो वो तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन काम करने करने की जो बातें हैं वो पिछले तो काफ़ी सालों से हो रही हैं। आपको अब के बार के बजट में क्या उम्मीदें? मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? मैंने अखबार में पढ़ा था भाई, जितने भी बस स्टैंड हैं, जो भी सरकारी संस्थान है, खट्टर साहब ये कह रहे हैं हम इनको सब प्राइवेट देंगे, तो सबको प्राइवेट दे देंगे तो क्या बचेगा भाई? हर चीज़ प्राइवेट कर दी, बस प्राइवेट कर देंगे, बस स्टैंड यहाँ तक कि जो सरकारी संपत्तियाँ हैं उनको भी प्राइवेट कर रहे हैं, तो फिर सरकार के हाथ में क्या रहेगा? टैक्स रहेगा, लोगों के ऊपर टैक्स ला देंगे, उनसे टैक्स वसूल लेंगे, देना कुछ नहीं। क्या दे रहे हैं आज पब्लिक को? क्या दे रहे हैं? रोड है भाई, लोग जब कोई गाड़ी खरीदता है तो 1.5 लाख तक का न टैक्स रोड टैक्स भरता है, और फिर उसके बाद टोल टैक्स लगा देते हैं। ये तो कमाई कर रहे हैं लेकिन पब्लिक के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, पब्लिक से तो लूट रहे हैं, और उद्योगपति घरानों को प्राइवेट दे के उनके खजाने भर रहे हैं जी। अगर पूछूं आपसे संक्षिप्त शब्दों में कि अब की बार के बजट को आप किस प्रकार देखते हो, तो क्या उसका के लिए जवाब रहे? नहीं, इसमें देखने वाली क्या बात है भाई, सरकार ने जितने भी 2015 में या 14 में सरकार आई थी, उसके बाद घोषणा करी, नया तो कुछ बनाया नहीं, तो ये जो बजट है ये भी कर्जे में चला जाए, उम्मीदें कम है, कुछ भी उम्मीद नहीं है, कम नहीं, कुछ भी नहीं है।
जीरो बजट है ये। ठीक है राजू जी, आपसे भी जानना चाहेंगे हम, अगर बात करें यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें, आप भी साथ में बने रहिए कि आपसे कुछ बातें और भी जानेंगे। इस दौरान में अगर बात करें, जैसे हॉस्पिटल को 200 बेड का करने की बात कही गई है, कहीं पर बात की जा रही है कि खेल योजना के तहत बच्चों के जो स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे, कहीं पर बात की जा रही है कि गऊओं के भी संवर्धन की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ जहाँ पर बिजली है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, कहीं पर लग रहा है कि जो आम जनता के हितैषी का बजट है ये जो सरकार है ना, ये बजट की बात हम करें तो ये सिर्फ बदला और बदली पे चल रही है। नाम बदल दो, ठीक है, भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम जब इसका उद्घाटन किया, जब चौधरी बंसीलाल के नाम से रखा गया, उसके बाद दो साल पहले यानी 2019 में खुद मुख्यमंत्री भिवानी आके घोषणा कर गए कि इसका नाम पंडित नेकी राम के नाम से होगा, और कल बजट के दौरान घोषणा की कि इसको है ना डॉक्टर मंगल सेन के, अरे आपको नाम रखना ही है डॉक्टर मंगल सेन के नाम से, आपको इतना है, हमें भी अच्छा लगा कि उनके नाम से कोई संस्था हो, पर अगर उनका नाम का इतना अगर चाव है तो उनके नाम से अलग संस्थान खोल दे। चौधरी बंसीलाल और पंडित नेकी राम दोनों बड़ी महान विभूतियां रही हमारे इलाके की, स्वतंत्रता सेनानी रहे पंडित नेकी राम जी, और वही चौधरी बंसीलाल का हरियाणा विकास में उनका योगदान, चाहे कोई विपक्ष में हो उनके, वो भी ये मानता है कि उनका अहम योगदान रहा, उनके नाम को मिटा के और आप किसी तीसरे का नाम लिखो तो इससे लोगों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। सरकार बेशक खुश हो रही हो पर इलाके के जितने लोग हैं, पूरे दक्षिण हरियाणा लोग इस को लेके बेहद आक्रोशित हैं, और उसका नजारा आप देखिए, यहाँ पे बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया आज धरने के ऊपर, और उसकी निंदा की गई है सरकार की, और ये कहा गया है कि उनके पंडित डॉक्टर मंगल सेन के नाम से अगर आपको रखना है तो एक नई संस्थान सरकार बना के दिखाए। और बाकी जो बात है स्वास्थ्य की, आप दूर क्यों जाते हैं, आप चाहे तो ये भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम ले लो, जहाँ बलवान भाई बता रहे थे कि एक नई ईंट तक नहीं लगी है, वहीं दादरी के लिए भी कहा था कि हम एक नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है। 100 से 200 बेड के करने की बात करें, दादरी में 100 बेड का हॉस्पिटल है पर डॉक्टरों के क्या हालात हैं आप देख रहे हैं। और ये जो नौकरी देने की जहां तक बात है, और खेल और खिलाड़ी की बात करते हैं, रोजगार देना दूर की बात, जो रोजगार पाए हुए थे 1518 खिलाड़ी थे जो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जिनको नौकरी मिली थी, उनको घर बिठाने का काम इसी सरकार ने किया। सरकार नौकरी देती है पर इस सरकार ने 50,000 से ऊपर जो कच्चे कर्मचारी थे उनके नौकरी खाने का काम किया। ये कह रहे हैं ना हम नौकरी देंगे, देंगे क्या, पहले उनका तो हिसाब दे दो जिनके आपकी नौकरी खाई है। क्या माने जो ये जो 884 करोड़ का जो बजट रोजगार के लिए अप्लाई किया गया, ये बजट की एलोकेशन है, आप ये आंकड़ों का खेल है ये सरकार का, ये एलोकेशन जो है ये उसके लिए है कि जहाँ ऑलरेडी जो नौकरी लगे हुए हैं उनकी, चाहे वो पेंशन की बात हो, उनके एरियर जो बचा हुआ हो, चाहे उनकी वेतन की बात हो, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। महज सरकार ने आंकड़ों का खेल दिखाया है। अगर सरकार इतनी अगर साफ होती तो सरकार ये बताती ना तो इतना बड़ा घाटा हुआ कैसे, वो घाटे का उन्होंने नहीं बताया कि कितने लाख करोड़ का घाटा इस बजट में, वो नहीं बताया। दूसरे रोड टैक्स की जहां तक बात है, भाई बलवान जो बोल रहे थे, सबसे बड़ा तेल का खेल है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, आज कच्चे तेल की जो कीमत है वो $70 प्रति बैरल से कम है, और किसी वक्त जब यूपीए की सरकार थी ये $140 प्रति बैरल, उस वक्त भी जो डीजल की कीमत थी वो ₹54 थी, पेट्रोल की कीमत ₹40 थी, और आज ₹90 और ₹80 है पेट्रोल डीजल की कीमत। इसका मतलब सरकार बड़े टैक्स के रूप में कितना पैसा कमा रही है और जनता को राहत नहीं दी। हमें ये उम्मीद थी कि इस बजट में निश्चित तौर पे वेट में कमी करके आम लोगों को राहत देगी, पर वो पता नहीं उनके अंदर क्या कड़वाहट है, क्या वो लोगों का तेल निकालना चाहते हैं कि उन्होंने ₹1 भी वेट में कमी नहीं की। ठीक है, यानी खुद का खजाना भरना चाहते हैं, जनता कोई राहत नहीं देना चाहते ये लोग। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए, एक बड़ा मुद्दा हमेशा छाया रहता है बुढ़ापा पेंशन का। बुढ़ापा पेंशन के लिए जो बाड़ा के विधायक हैं वो खुद ही कहती हैं कि 5100 इसको किया जाए, जबकि सरकार के द्वारा यही जो चीजें हैं ये अब ₹2500 पर मंथ का जो इन्होंने किया है, क्या मानेंगे इसको कि क्या ये किया क्या गया है, क्योंकि पहले ही काफी टाइम पहले ही ₹2000 मिलती थी। इसके पीछे भी दो खेल है, जहाँ तक इस बढ़ाने की बात करते हैं, ₹250 बढ़ाइए कहते हैं, हमने ₹250 बढ़ाए पर 3 महीने निकल गए हैं, बढ़ानी होती 1 जनवरी से बढ़ाते, अब ये 1 अप्रैल से मिलेगी, यानी 3 महीने जोगट है, तो यानी सिर्फ ₹187 की बढ़ोतरी है, और उसके हिस्से में अगर विधायकों की संख्या जोड़े तो जेजेपी के हिस्से मात्र ₹36 आते हैं, और चुनाव से पहले ये वायदा करते हैं हम ₹5100 देंगे, तो कहाँ है उनका वायदा, यानी लोगों को सिर्फ बहका के जुमलेबाजी से काम चलाना चाहते हैं, पर लोग जागरूक हैं और समझ गए हैं इनकी चालों में आने वाले नहीं है। ठीक है, आपका क्या कहना है कि ₹2500 एनएफ है, बहुत है? नहीं, बुढ़ापा पेंशन जो सरकार दे रही है, बुढ़ापा मान सम्मान ठीक है, जो सरकार भाई जो वादा किया था उसको वादे को तो निभाए,
भाई आज 2500 दे रही है, लेकिन जो बिल्कुल बेसहारा है, मैं तो उनको कहता हूँ भाई 5000 की बजाय आप सीधा ज़्यादा ज़्यादा जितना दे सकती है सरकार उतना करो। लेकिन जो बिल्कुल गरीब परिवार हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनके घर ने एक रोटी का दाना तक न मुश्किल से उनको मिलता है, जिनकी तीन तीन चार चार बेटियाँ हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो बूढ़े बीमार घर पर बैठे हैं, उनकी लाडली पेंशन बनी हुई थी वो भी पिछले 2 महीने से कट गई है। मैं उनके लिए खुद प्रयासरत हूँ, लेकिन उनकी पेंशन वो कह रहे हैं पहले लाडली पेंशन जमा करवाओ, उसके बाद है ना आपकी आगे की कार्रवाई करेंगे। मतलब वो कहाँ से लाएंगे, उनके पास बेचारों के लिए खाने के लिए नहीं है, तो लाडली पेंशन जमा करवाएंगे और उसके बाद बुढ़ापा पेंशन बनवाओ। अच्छा। तो ये कहाँ का नियम है। ठीक है, आपका क्या कहना है, क्या एनएफ है ये जो 2500 रुपए है? बिल्कुल नहीं है जी। कितना होना चाहिए था? ये होने की बात नहीं जी, इस पे होना चाहिए था। जो महंगाई बढ़ रही है उसके अनुरूप जो इनकी पेंशन बढ़ाई जानी चाहती। अब 2500 रुपये एक बुजुर्ग के हैं, वो बुजुर्ग 2500 में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकता है? उसके घर में कोई सर्विस नहीं है, खेती है वो कमज़ोर हो गई है, दूसरे टैक्सीज वगैरह बढ़ गए, पेट्रोल आदि के दाम बढ़ गए, तो 2500 हम जो है ना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं मानते। बढ़ाना कितना चाहिए था, जो मतलब महंगाई बढ़ी है उसके अनुरूप बढ़ा देना चाहिए था, वो काफ़ी। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें, जैसे पहले भी जो भाजपा सरकार है गौ माता के नाम पर काफ़ी सारी चीज़ें करती रही है, अब की बार भी एक योजना लेकर के आए हैं गौ संवर्धन योजना, जिसमें 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्या मानते हैं, क्या क्या यूज क्या होगा इसका? इसका जो ये है, ये जो कह रहे हैं ना कि गौ सम्मान योजना, इसके अंदर मुख्य रूप से प्रैक्टिकली इनके पास गौ से संबंधित कोई विचार नहीं है, क्योंकि इन बीजेपी वालों के पास आंकड़े करते हैं 99% के पास किसी के पास गौ नहीं है, और कह रहे हैं कि हम ये करें, जब ये कर रहे हैं इनके नेता कर रहे हैं, ये धर्मशाला खोल रहे हैं, तो इनके पास गौएं तो होनी चाहिए थी ना, इनके पास किसके पास कोई नहीं है, ये वैसे ही ढकोसला कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। गौ माता की सेवा किसान कर रहा है, अपने साधन से कर रहा है, वह तो है ठीक, लेकिन इनके मात्र ये नारे हैं, इनसे गौ के इस नारे से ये बहका बहका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पार्षद हूँ भिवानी से नगर परिषद में, नगर परिषद एक गौशाला चलाती है, वहाँ कम से कम 400-500 गौए हैं, उनके लिए वहाँ एक दिन का राशन नहीं है, मतलब चारा नहीं है, तो गवर्नमेंट एक तरफ कहती है हम तो गौओं के लिए ये कर रहे हैं, एक तरफ बेचारी वो गौए भूखी मर रही हैं, तो ये पाप कर रही है सरकार, ये गौओं का मान सम्मान नहीं कर रही है, पाप कर रही है अपने आप में, गौओं को मार कर एक जगह रोक दी, उनको खाने पीने कुछ भी नहीं है, उनको एक जगह रोक के मारने का काम। कहीं इस योजना से कहीं पर फायदा हो पाएगा कुछ? योजना क्या है, ये सब झूठी बातें हैं, योजना तो जो गौशाला चल रही है वो उनका हालात जाके देख लो ना आप, जो पहले चल रही है उनमें क्या है, नई कहाँ से खोलेंगे, जब पुरानी जो गौशाला है वहाँ पर मर रही है गायें बेचारी। चलिए, क्या कहेंगे राजू जी इसमें कि कुछ हो सकता है गौ संवर्धन योजना के नाम से, क्या उनकी क्वालिटी को और अच्छा करने की बात हो रही है, या जो आवारा घूम रहे हैं उनके लिए कुछ करने की बात हो रही है, क्योंकि 50 करोड़ का बजट जो है अलग से अलॉट किया गया। देखिए, अगर इनकी नीयत साफ होती ना तो आप भिवानी का इन्होंने हाल बता दिया, दादरी का हाल आप देख चुके हैं, जहाँ पुरानी एक नंदीशाला जहाँ खोली हुई वहाँ पे क्या हालात हैं, कितने वहाँ पे गवें मर चुकी हैं, ऐसे ही कल्याणा रोड पे एक खोली थी इन्होंने, वो उसको खोली दिया बिल्कुल, थोड़े जो वहाँ पे कई गवें जो मर गई, भूखी मरी है वो अलबत्त, फिर उसके बाद खोलना पड़ा उसको, और वो बड़ा नुकसान जो दूसरे हैं बड़ा नुकसान कर रही हैं, लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई है कि इनके लिए व्यवस्था की जाए, और ये नहीं है, लोग सहायता करने को तैयार है, लोगों ने यहाँ तक कहा है कि हमारी तरफ से भी अगर कुछ सहायता चाहिए तो लोग सहायता करने को तैयार हैं, पर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और दूसरी बात, बजट में जहाँ तक हम दादरी की बात करें, दो राष्ट्रीय राजमार्ग थे, एक तो आप जो झज्जर से होकर सीधा पिलानी को जाता है, और इसको कांग्रेस सरकार में ये 4 लेन बना था, अब वो सिर्फ सिंगल छोड़ दिया, उसको सिर्फ 3 मीटर की वाइडनिंग की है, तो उसको तो ये कर दिया। दूसरा जो ये 140 जहां हम खड़े किदलान टोल पे, जो ये सीधा जाके आगे नारनौल तक जोड़ना था, मंदोला तक ले जाके इसको छोड़ दिया, और इसके आगे इसका अपग्रेडेशन के बजाय डिग्रेडेशन किया इसको, यानी उसको सिर्फ स्टेट हाईवे बना दिया, उसको नेशनल हाईवे के बजाय, तो सरकार की नीयत कहां है?
यानी सिर्फ आंकड़ों का खेल है, लोगों की अगर करनी होती। दादरी में इन्होंने जिले को जिला बनाया, कितना लंबा टाइम हो गया, पर जिले की अभी तक बिल्डिंग शुरू नहीं हुई। अगर आज आज की बात करें तो आज एक मुख्य जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें भी चरखी दादरी जिला अध्यक्ष का के बयान के ऊपर भी कुछ एक हेडलाइन हमने पढ़ी कि जितनी मांगे उन्होंने रखी थी उनमें से पूरी नहीं हो पाई। खुद मेरे ख्याल से जिला अध्यक्ष भी नाराज थे। कितनी भी पूरी नहीं हुई, एक भी पूरी नहीं हुई, ना मेडिकल कॉलेज मिला, ना जो बिल्डिंग जो जिला स्तर के हिसाब से होनी चाहिए थी ना उनके लिए कोई बजट एलोकेशन हुआ। ऐसे ही बाड़ा सब डिवीजन बने लंबा समय हो गया, वहां तो भूमि तक अभी तक चिन्हित नहीं हो पाई कि वो बिल्डिंग होगी कहां पे खड़ी। सरकार की नीयत अगर अच्छी होती है, लोगों के लिए सुविधा देने की बात होती है, निश्चित तौर पे बजट एलोकेशन करती है, इतना बजट हमने बाड़ा सब डिवीजन के लिए रखा है, बिल्डिंग के लिए इतना हमने दादरी के लिए रखा है, पर उसमें से कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ। अच्छा चलिए, इसके अलावा अगर आज जैसे किसानों का आंदोलन काफ़ी बड़ा चल रहा है, इसी दौरान में जहां सरकार कह रही है मंडियां बंद नहीं होंगी, उसी को शायद साबित करने के लिए गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाई जा रही है, उसके लिए स्पेशल बजट भी दे दिया गया है, क्या कहेंगे? एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, आज आलू निकल गया किसान का, और आलू क्या भाव बेच पा रहा है मंडी में आपको ध्यान है? सिर्फ 3 रुपए किलो, और 3 रुपए के लिए भी तरस रहा है, मिल नहीं रहा उसको 3 रुपए का भाव भी, रोड के ऊपर फेंकना पड़ रहा है किसानों को आलू, और यही आलू 1 महीने पहले जब था तो 40 से 50 रुपए बिका, क्योंकि किसान की ये हिम्मत नहीं है कि उसको स्टॉक कर ले। स्टॉक कौन करेगा? बड़े बड़े पूंजीपति, जिन्होंने ये बड़े बड़े यानी सीएलयू कोरोना के टाइम में करवा ली, और बड़े बड़े जो अपने स्टोर खोलने वाले, जो हाल आज किसान की इसमें सब्जी में हो रहा है, यही हाल आने वाले टाइम में अनाज का होगा, और इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, और इसीलिए इसे लंबे समय से लोग तो क्या क्या माना जाए, क्या उस मंडी को एशिया की बड़ी मंडी ना करके क्या करना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ नारे हैं, इनको अगर करनी है तो किसान जो मांग रहे हैं कि तीनों काले कानून रद्द करे, एमएसपी की गारंटी दे, सरकार को हिचक क्या है? वो क्यों जबरदस्ती लोगों को? आप देखिए मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, और किसी तौर पर हम काले कानून रद्द नहीं करेंगे, बजट में उन्होंने कहा ना जी। क्या वजह है? जब लोग जिस चीज को मान नहीं रहे हैं, लोग जिस चीज के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है सरकार? सरकार को किसानों में बात करनी चाहिए। आज 11 दौर की बातचीत हुई, उसके बाद लगातार 1 महीने से ऊपर समय हो गया है, गतिरोध बना हुआ है, तो सरकार को पहल करनी चाहिए। कोई भी समस्या होती है उसका हल जो है वो सिर्फ संवाद से ही निकल सकता है, तो संवाद सरकार को शुरू करना चाहिए, पर सरकार का ध्यान किसान की तरफ नहीं है, सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तरफ है। चलिए, जो आप मान रहे हैं कि चुनावी वायदों के तरीके से ये किया गया, आपका क्या कहना है कि क्या ये जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने की कोशिश की जा रही है तो क्या वो किसानों को फायदा देगी? नहीं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाना चाहते हैं, वहाँ कौन आएगा? मतलब उस एशिया की सबसे बड़ी मंडी में कौन आएगा और कौन जाएगा? भाई जब गांव में किसान की फसल बिकेगी तो उस एशिया की बड़ी मंडी में कौन जाएगा? इतनी दूर तो कोई नहीं जा सकता, 2 एकड़ का 3 एकड़ का किसान है, वहाँ जाएगा तो उसका जितना फसल है उसका उतना भाड़ा लग जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, ये घोसले हैं, गांव स्तर पे जो मंडी खुली हुई है, पहले भी बहुत खुली हुई थी, बड़े बड़े गाँव में 5-10 गाँव के एरिया में एक एक मंडी पहले खुली हुई है, उन्हीं को डेवलप कर दो, वहाँ पक्की मंडी बना दो ताकि किसानों को सुविधा हो जाए, वहाँ बैठने के लिए, उठने के लिए, पानी की सुविधा कर दो, ये सुविधा कर दो, बड़ी मंडी बनाने की जरूरत क्या? मतलब छोटी मंडियों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, एशिया की बड़ी मंडी नहीं चाहिए। छोटी मंडियों पे ध्यान दो ना, वहाँ किसान आए उनकी सहूलियत के हिसाब से भाई पानी की सुविधा करे और खाने पीने करे, ताकि वो किसान आए अपनी फसल को बेच के चला जाए। जी, एशिया की फिर सबसे बड़ी मंडी बनाने का सोचा क्या है सरकार ने? ये सरकार जो है जो बड़ी मंडी बनाई है, इसके पीछे यही कारण है कि अधिक पैसे वाले मंडियों को कंट्रोल करेंगे और उन्हीं के कब्जे में रहेगी। हमारा ऐसा विचार है कि 5 किलोमीटर के अंदर मंडियां हों और उनका देख रेख वहाँ के किसानों की सामूहिक टीम है उसको करे, ये बेहतर होगा। ठीक है, कुछ किसान और भी जुड़ गए हैं जी, 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 उसका वही हाल होना है जो मेट्रो सिटी है, जो केंद्र सरकार ये कह रही है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी आपको कोई नजर आई आज तक? वैसा ही इस मंडी का हाल होना है। अगर इनको ख्याल रखना होता जो अस्थायी केंद्र बने थे, चाहे वो कादमा में थे, चाहे वो बेरला में थे, और चाहे वो जावा में थे, वो बंद कर दिए सरकार ने। अरे बजट में उनके लिए करते कि वो बजट में वो जो अस्थायी केंद्र बनाए गए हैं उनको हम चालू रखेंगे वहाँ, ताकि किसान को किसी तरह दिक्कत ना हो। यानी अब लोग धक्के खाने, अब दूर का किसान जाके वो सिर्फ दादरी आओ या फिर उधर बाढ़ आ जाओ, बीच में कोई जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने, ये मिला बजट में यहाँ इलाके किसानों को। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ और भी जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा जाने। कोई नहीं, आप आए, आप भी आए, आगे आए, जरा जान ले हम भी, आप क्या सोच रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि बजट में आपको कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। क्या उम्मीदें, क्या फिर उम्मीदें? तो बहुत काफी थी, इसलिए मैं चल कुछ मिला तो कुछ भी नहीं है हमें।
ठीक है, तो सरकार क्या जनता की बात सुनी नहीं रही है क्या, मन मन की भावनाओं को नहीं समझ रही है? समझ रही है, समझना पड़ेगा उनको, किसान बैठे हैं आंदोलन में, समझाई मानेंगे इनको। चलिए जब तक ठीक है, आंदोलन में किसान बैठे हैं और समझा के मानेंगे, और भी कुछ किसान हैं हमारे साथ, इनसे भी जरा जान ले, क्या लग रहा है जी जो बजट आया है उससे कुछ फायदा मिलेगा? नुकसान, कोई फायदा नहीं। किसान की बात देखो तो आज का अखबार देखो, जिसमें बदवाना और बेरला मंडियां बंद कर दी, जबकि किसान बदवाना और बेरला से चल के दादरी आएगा, सिर्फ दो मंडियां बालडा, बोंद और दादरी रखी है, तो फायदा कहाँ किसान के लिए? ऐसी है कि बड़ी मंडी भी बना रहे हैं, वो बड़ी मंडी इसलिए पब्लिक के लिए और किसान के लिए नहीं है, वो इनके बड़े बड़े चाटुकार जो है ना पूंजीपति लोग, उनके लिए है, किसान का उसमें कोई लेना देना नहीं है। उस बड़ी मंडी से आज तक किसी किसान ने क्यों बेचा है बताओ, किसी भी को सामने आके पर्चे दिखाओ कि उस मंडी में क्या है, वो सिर्फ बड़ा बड़ा स्टॉक और उसकी पूंजीपतियां पार्टियां उनके लिए है। दादरी के लिए बजट में एक भी आम सामने आके कोई भी सत्ता पक्ष का आदमी या कार्यकर्ता हमारे को बताए और हम जवाब देंगे। दादरी जिला बने कितना दिन हो गया, इस बीजेपी राज में जिला बना था, इस बजट में उसने दादरी के लिए क्या रखा? कहीं सचिवालय नए के लिए, कहीं जेल के लिए, पुलिस लाइन के लिए, ऑफिस के लिए, कहीं जगह है या कोई जी कहीं रोड की कहीं लिखा है? नहीं। कहीं रोजगार के लिए? नहीं। इन्होंने तो ऐसा किया है, इनके बाप दादे का नाम लिखवाने का चक्कर है, जैसे बंसीलाल हॉस्पिटल था ना, फिर क्यों बदल दिया उसका नाम? इनके बाप दादे ने बनवाया था वो, सिर्फ इन्होंने अपना और अपनी पार्टी का नाम लिखने के लिए, ये सोचते हैं कि एक तो इनका कुछ आना जाना नहीं है, अब है तो कहीं अपना पत्थर पे नाम लिखवा जाओ। ठीक है, और भी काफी सारी जो चीजें हैं बजट में आई हैं, चाहे बिजली से संबंधित, रोडों से संबंधित और जो चीजों से संबंधित, किसी चीज में लग रहा है कि जनता का भला होगा? नहीं होगा। किसी भी रोड पर देख लो आप, अगर एक भी रोड का कहीं मरम्मत भी हो रही है तो, और छोटे शहर का प्रॉपर बाजार का रोड आप देखो, गंदे पानी की निकासी का प्रबंध नहीं हुआ है, रोज पार्षद ज्ञापन के लिए डीसी के लिए खड़े रहते हैं, पीने के पानी के लिए रोज एक्शन के रहते हैं, जब प्रशासन खुद एमसी भूख हड़ताल तक बैठ जाते हैं तो कहाँ पानी और रोड की व्यवस्था हो सकती है? कहीं नहीं है, एक पैसे का बजट नहीं है, और कहीं भी दिखाओ है तो। उम्मीदें क्या थी? उम्मीद ये थी कि किसान को और गरीब आदमी को कुछ राहत मिलेगी, कुछ रसोई को भी राहत मिलेगी, कुछ आम व्यापारी को और ट्रांसपोर्ट को भी राहत मिलेगी, न तो उन्हें तेल घटाया, ने गैस के दाम कम किए, ने किसी गरीब आदमी के हित का कोई इन्होंने ऐसा नहीं, गरीब आदमी की झोपड़ी के लिए अगर कहीं भी एक पैसे का भी प्रावधान हो तो बताओ, कहीं नहीं है। गैस का सिर्फ फ्री सिलेंडर दे के एक बार, अभी आपको सिलेंडर फ्री दिया जाता है, आज उसकी सब्सिडी खत्म, यही हालात बीपीएल और एपीएल कार्ड का होना है। सरकार का गरीब आदमी के चूल्हे का और हित के लिए कोई जगह नहीं, और न इनके बजट में कहीं लिखा है। ठीक है, क्या कहेंगे, बजट कुछ है, कुछ काम का आया आम जनता के? सरपंच ने बता दिया, बजट में क्या बताएं, जो काफी बता दिया इन्होंने तो रह के गया। एक बड़ी उम्मीद थी, जैसे देखो साथ वाली सरकार का भी असर पड़ता है, पंजाब सरकार ने 1700 करोड़ का बजट कर्जा माफ किया किसानों का, तो उस वक्त जरूर ये आस जगी थी, क्योंकि हरियाणा का बजट बाद में आया है, कि हरियाणा सरकार भी सोचेगी किसानों का कर्जा माफ करेगी, पर एक रुपया भी माफ करने का मतलब नहीं है, तो कम से कम पंजाब सरकार से सबक ले सकती थी। यहाँ पर भाई साहब भी कुछ बात करना चाह रहे हैं जी, आप आ गए, आप आ गए, आप आगे तो आए, आगे तो आए जी, कोई नहीं, आप जमींदार हैं तो आपसे भी जानना चाहिए भाई, भाई सिंचाई खातर पानी नहीं है, घुटने लग काटन दिए उड़ा, पीड़ ने भी कोई काटन दिए बता, लेकिन ये तो बात कर रहे थे एसवाईएल की, हम लेके आएंगे एसवाईएल, मुद्दों ठहरा क्यों कम नहीं कर सके जाए सरकार, समझियो कति किसान ने तो कति मारा भैया, एक पानी नहीं आया हमारे ताल में बता करा के, हम कुछ थी उम्मीद है सरकार से कि बजट में कुछ करेंगे, उम्मीद थी जिद्दत मनाई थी, उम्मीद कन खो दी, कति कति खो दी, बिल्कुल खत्म है, कति बिल्कुल खत्म है सरकार। तो अब बजट में जो चीजें आई हुई हैं उनमें से किसी में चीज लग रही है कि किसी में कुछ मिल पाते, कुछ नहीं मिला किसान ने तो, समझियो किसान का तो कति मार की छोटे गया, समझियो पानी को नहीं है, साल भर हो गया 15 दिन में मारना रहा हूँ, अरे भिन्न 40 दिन में पानी आया है, मतलब के करा इसको खत्म हो गया, समझियो हाँ मारा तो 10 फुट पर हो, अरे 30 फुट पर गए हो, समझियो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की अनदेखी कर दी गई है, अति अनदेखी, सरकार हमने देखी नहीं आता ही, समझियो ठीक है, ये दोनों सरकार और किसका भला करेंगे यार। चलिए यहाँ पर वही घर बसाने तक की बातें आ गई है जी, लग रहा है कि कहीं पर जो आम आदमी है कहीं पर कुछ, आम आदमी की बात ये है, जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है हरियाणा सरकार में, वो ये कह रहा है हमने आखिरी टेल तक पानी पूछा है,
मैं ये कह रहा हूँ भिवानी इतना बड़ा शहर है, 3 दिन में पानी आता है पीने का, और पशु तो बेचारे तिसाए मरे हैं, जोड़ों में पानी नहीं है। आप किसान को पानी देने की बात कर रहे हो, आम आदमी को पानी नहीं मिल रहा, किसानों को खेती के लिए कहाँ पानी मिलेगा जब पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफी सारी जो बातें हैं और काफी सारे मुद्दे और भी हैं, बहुत सारी बातें और भी इसके अलावा भी बजट में हैं, उन पर भी लगातार चर्चा में हम बने रहेंगे, काफी सारे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बजट आ चुका है और हरियाणा के जो जनता है वो बजट के बारे में क्या सोचती है, इस बारे में हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। और जहां तक बात है जिन मुद्दों पर अभी हमने चर्चा की है, उनसे आप देख सकते हैं यहां पर जितने भी लोग हैं, कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं कि काफी सारे लोग यहां पर खड़े हैं और कोई भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और ये जब संतुष्ट नहीं है, जब जनता ही संतुष्ट नहीं है, तो फिर सरकार कोई भी जो भी नई योजनाएं लेकर के आ रही है उनका फायदा क्या होगा। सरकार का कार्य होता है कि जनता को किसी न किसी तरीके से संतुष्ट करे, जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करे। तो ये अब कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जनता को संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई आगे योजनाएं लेकर के आए। वैसे हम दूसरी तरफ से भी हम ये आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात बजट के ऊपर रखना चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप मुझे कॉल कीजिएगा और बाकायदा आपको चैनल पर लेकर के आने का कार्य मेरा रहेगा, चाहे आप बजट के पक्ष में बोलना चाहते हैं चाहे बजट के विपक्ष में बोलना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी बातें रखिएगा क्योंकि सरकार तक भी किसी तरीके से आपकी बातें जो हैं वो पहुंचे, हम भी यही सोचते हैं। तो अभी हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की, काफ़ी सारे अलग अलग बयान आए हैं, ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं, तो अभी इसमें इतना ही रख रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।